हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अब्दारा। सो टुडे मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, नो एक्स्ट्रा इंट्रो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। सो एप्पल साइडर विनेगर हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय डाइट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने सोचा इसके जो बेनिफिट्स मैंने देखे हैं या फिर जो कुछ भी काफ़ी कुछ पढ़ा है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ एंड ऑब्वियसली मेरे चॉइस के प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करूँ। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। एप्पल साइडर विनेगर लोगों में बहुत पॉपुलर हो चुका है बिकॉज एक रीज़न, वेट लॉस। ओबेसिटी का काउंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। येस, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड ईजियर वेज टू लूज वेट, तो एप्पल साइडर विनेगर कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आ रहा है कि जिसमें वेट लॉस में मदद करता है। बट देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स जो आपको जानना चाहिए अगर आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करना प्रेफर करोगे या फिर सोच रहे हो कि कंज्यूम करना है तो आपके लिए सही है कि नहीं, या फिर आपको कौन से वक्त कंज्यूम करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए, दैट इज़ वॉट वी गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा अच्छे साइडों की तरफ, तो बेनिफिट्स की बातें करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर सबसे मेन चीज़ जो बेनिफिट करता है दैट इज़ वो इंसुलिन की जो स्पाइक होती है उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपका, आप डायबिटिक नहीं हो, ओके, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल में रहता है, लेकिन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है या जिनको जंक खाने का आदत है, अभी तक आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, तो उनके लिए क्या होता है ना कि ब्लड शुगर कभी भी, लाइक आज एक लेवल पे है तो कल दूसरा लेवल पे है। मे बी आप डाइट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं कर रहे हो, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको ये फेज होता है, लाइक एवरी डे इफ़ यू टेस्ट योर ब्लड शुगर लेवल ना तो फ़र्क नज़र आएगा। तो एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है कि उस इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको ब्लड शुगर ऑलरेडी है, लाइक हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं, जो डायबिटिक हैं, उनको कंज्यूम करना होगा इससे, लाइक इट इज़ नॉट अ मेडिसिन फॉर देम। बट जिनको हायर शुगर लेवल्स के वजह से ज़्यादा भूख लगती है वो चीज़ को ये कहीं कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म। आपका अगर इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं होगा तो कुछ हद तक आपका खाने में कंट्रोल आएगा या फिर आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, बिकॉज एक जगह स्टेबल हो गया तो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। इसके पीछे साइंस बैक बहुत थ्योरीज है, बहुत रिसर्चेज है जो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। मैं उतना अगर बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। अब जिन लोगों को मोटापे का आदत है, जैसे मुझे, मेरा मेटाबॉलिज्म रेट लो है, दैट इज़ वाई आई कैन नॉट यूज़ द फैट दैट आई एम कंज्यूमिंग और द एनर्जी दैट आई शुड बी लाइक यूजिंग फ्रॉम माई बॉडी, तो इसलिए वो ज़्यादा स्टोर होते 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 फैट पे टर्न डाउन होता है। तो दैट इज़ द थिंग, अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है तो आपके बॉडी फैट जो ऑलरेडी है वो चीज़ यूज होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज भूख को कंट्रोल करता है। लाइक अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तो आपके जो अनशंट, वो मेनली शुगर क्रेविंग्स जो होती है ना, जैसे अगर आप मीठा चीज़ खाते हो तो आपको भूख और ज़्यादा लगता है, ये एक शरीर का नॉर्मल हैबिट है। तो अगर आप ये जो इंसुलिन स्पाइक्स को जो कंट्रोल करता है ना एप्पल साइडर विनेगर, तो उससे क्या फ़र्क होता है कि आपका वो जो मीठा चीज़ का असर वो कम होता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगता, अननेसेसरी भूख नहीं लगता। इन जनरल एपेटाइट को भी, लाइक जितना आप खाते हो उसको भी कंट्रोल करेगा। अगर आपको लगता है कि आप ओवर ईटिंग करके मोटापा बढ़ रहा है तो वो चीज़ में बहुत हेल्प करेगा। मेरा केस में क्या है, मैं खाती इतनी सी हूँ बट मेरा पहले जंक खाने का बहुत आदत था तो उसकी वजह से वेट बढ़ गया, एंड उसके बाद जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ना तो इस चीज़ को पूरा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो हार्मोनल इम्बैलेंस PCOD जो चीज़ है, तो वो ट्रैक में लाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अगर अभी आपका वो सब प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो स्टार्ट विथ ACV, बट देयर आर सम कॉन्स, तो वो हम बाद में बात करेंगे। और एक बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि आपका काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर रहा है, आपका खाने का जो भूख है उसको घटा रहा है, तो बेसिकली इट रिजल्ट्स इन वेट लॉस। बट हाँ, ये अकेला वेट लॉस में मदद नहीं करेगा। डेफिनेटली वेट लॉस ड्रिंक्स आप बना सकते हो, बेसिकली सिंपली पानी में डाल के भी एप्पल साइडर विनेगर खा सकते हो, पी सकते हो। हम बंगाली है तो बंगाली सब कुछ खाते हैं, एनीवे तो आप पी सकते हो। बट द थिंग इज़,
ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नॉर्मल डाइट रख रहे हो, लाइक घर पे जो ही खाते थे वही खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो तो आपको लगता है कि आपका वेट लॉस होगा. नो, इट वॉन्ट हैपन. आपको वर्कआउट करना होगा. इवन आपका वेट गेन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, यू हैव टू कंट्रोल योर फूड इनटेक, यू हैव टू कंट्रोल योर लाइक जंक फूड इनटेक. प्राइमरीली घर का खाना फिर भी मैक्सिमम हद तक पच जाता है, मैक्सिमम हद तक उतना नुकसान नहीं करता है. अगर आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, कभी कभी थोड़ा आउट ऑफ डाइट हो जाता है, दैट इज़ टोटली ओके. हमेशा नहीं है कि ये जेल नहीं है कि आपको एवरीडे सेम खाना खाना है, इट्स नॉट लाइक दैट. तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, बट द थिंग इज बेसिकली आपको जंक नहीं खाना है. एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस में मदद करता है ओनली इफ़ यू कंट्रोल योर डाइट, लाइक पोर्शन कंट्रोल कर दो, जंक बंद कर दो, दैट यू कैन डू. एंड इससे मदद होगा, प्लस अगर थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट करो. आई एम नॉट सेइंग कि जिम जाओ, मुझे जिम बिल्कुल सूट नहीं करता. आई प्रेफर वर्कआउट एट होम, लाइक ओन बॉडी वेट वर्कआउट्स, योगा एंड वॉक. जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलराइज एक हो जाए शेड्यूल में, वो आपको आगे वाले वीडियोज़ में दिखेगा. बट द थिंग इज, तो आप ये खाने पे कंट्रोल, वर्कआउट अलॉन्ग विथ ACV करोगे तो आपका वेट लॉस में डेफिनेटली एक बूस्ट होगा. जो नॉर्मल डाइट कंट्रोल एंड वर्कआउट से जितना वेट लॉस होता है, ये थोड़ा सा प्रोसेस को एम्प्लीफाई कर देगा. लास्ट थिंग विच आई वांट टू से इज, इसमें ना बहुत असर होता है आपके स्किन एंड हेयर्स टेक्स्चर में. आप ड्रास्टिक डिफरेंस प्लीज मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आपको हेयर का अलग केयर करना होगा, स्किन का अलग केयर करना होगा. दिस इज जस्ट अ, लाइक एप्पल साइडर विनेगर इज जस्ट अ catalyst to the process in terms of weight loss, in terms of healthy hair, in terms of healthy skin. It is a catalyst. Catalyst मतलब जो उस process को आगे like तेज करने में मदद करता है. That's it. अब बात करते हैं किन लोगों को नहीं लेना चाहिए. जिनको लेना चाहिए वो तो समझ ही जाओगे, ये सब points अगर आपके आप में लागू नहीं होता है. नहीं लेना चाहिए first of all उन लोगों को जो pregnant है, प्रेग्नेंट वुमेंस या फिर लैक्टेटिंग मदर. प्लीज़ आप नॉर्मली खुद से मत लो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो. अगर वो अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हो एक प्रॉपर डोजेज पे. बट जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, जो लैक्टेटिंग मदर होते हैं, उनके हार्मोन बहुत अप डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा. लाइक हम लोग नॉर्मली जो हार्मोनल इम्बैलेंस PCOD पढ़ते हैं या जानते हैं, उससे हद से ज़्यादा होता है. इसीलिए एन्जाइटी, डिप्रेशन और भी मूड स्विंग्स ये दौरान के वक्त होता है. तो अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर अगर आप लैक्टेटिंग हो, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, तो आप प्लीज़ एप्पल साइडर विनेगर को अवॉइड करो. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल हु शुड अवॉइड इट, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, जैसे डाइजेशन में दिक्कत होता है इजीली, या फिर जिनको, हालांकि एप्पल साइडर विनेगर डाइजेशन में इम्प्रूव करता है, बट अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, आप रेगुलर एसिडिटी का दवाई लेते हो, प्लीज़ डोंट कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर. क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर इज़ एन एसिड, लाइक विनेगर इज़ एसिडिक एसिड. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिडिक एसिड जो एप्पल के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, एप्पल के जूस से बनता है. इट इज़ बेसिकली एन एसिड. तो अगर आप एक एसिड कंज्यूम कर रहे हो एंड यू ऑलरेडी हैव प्रॉब्लम्स विथ एसिडिटी, तो यू शुड नेवर कंज्यूम दिस. हाँ, कुछ कुछ लोगों के लिए अच्छा काम कर जाता है, यू कैन ट्राई दैट, थोड़ा सा अमाउंट से शुरू कर सकते हो. बट इन जनरल अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आई डोंट सजेस्ट यू टू कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर. ये ऐसा नहीं है कि एसिड एसिड को काटेगा, दिस इज़ नॉट दैट. ये कुछ हद तक नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकता है. सो इट्स अ नेचुरल कॉम्पोनेंट, लाइक इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट. तो अब आपका शरीर में कैसे काम करेगा जिनको ज़्यादा एसिडिटी है, वो यू नेवर नो. शायद अच्छा काम कर जाए, शायद आपके लिए बेहतर हो जाए एसिडिटी का प्रॉब्लम, बट काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, तो एसिडिटी बढ़ा देता है. तो आई डोंट सजेस्ट कंज्यूमिंग एप्पल साइडर विनेगर टू पीपल हु हैव एसिडिटी प्रॉब्लम. अब आते हैं थर्ड कैटेगरी जिनको अवॉइड करना चाहिए, जो हाईली डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज्ड है कि हाँ भाई आप डायबिटिक हो, उनका ये दवाई नहीं है. क्योंकि इसके पीछे वजह है, इसके पीछे रिसर्च है, मैंने पढ़ा है कि जैसे आपका इंसुलिन स्पाइक को एप्पल साइडर विनेगर कंट्रोल करता है,
कभी कभी उल्टा भी काम कर सकता है। एंड ये ज़्यादातर होते हैं जिनको डायबिटीज़ है या फिर जो प्री डायबिटिक है। तो जो प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक है उनके लिए मोस्ट एप्पल साइडर विनेगर विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप डॉक्टर कंसल्ट करो, वो अगर सजेस्ट करते हैं ले सकते हो, बट जो हाईली डायबिटिक है मैं उनको इन जनरल अवॉइड करने को बोलती हूँ, बिकॉज उनके शरीर में मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन जो डायबिटिक हैं, और वो इंसुलिन का ही अगर कुछ कंट्रोलिंग एजेंट आप कंज्यूम कर रहे हो तो यू नेवर नो वो कैसे काम करेगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो हैविंग मेडिसिन राइट, डायबिटीज़ का मेडिसिन आप ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, सो पीपल विथ डायबिटिक टेंडेंसीज और हु हैज़ बिन डायग्नोज विथ डायबिटीज़, आप प्लीज़ अवॉइड करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड लास्ट कैटेगरी विच इज़ पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर। यू नो व्हाट, ये कहीं ना कहीं ब्लड इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करता है, बट कहीं ना कहीं बॉडी में एक हीट भी जनरेट करता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो हीट बर्दाश्त नहीं होता। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस कि ऐसे वक्त लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रेफरेबली आप ना ले तो बेहतर है। एंड अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है, डॉक्टर क्लियरेंस देता है तो ले लो, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वेट लॉस में मदद चाहिए, और भी ऑप्शंस हैं, और भी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो जो आपकी ब्लड शुगर के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेगा, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, दैट इज़ ओके, टोटली ओके। नाउ द लास्ट कैटेगरी, जिनको जो गर्ल्स और वुमेन हु आर मेंस्ट्रुएटिंग, लाइक आपके पीरियड के दौरान, आपके जितना दिन भी हो उतना दिन ही एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना है, आप उसके आगे उसके बाद का टाइम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये पहले बताए हुए हेल्थ कंडीशंस नहीं हैं तो आप आराम से ले सकते हो, बट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नेवर कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि उस टाइम पे भी आपका हार्मोन बहुत लाइक मूड स्विंग्स आप देखोगे ज़्यादा होता है, तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इट्स काइंड ऑफ does not go well with each other. तो apple cider vinegar during menstruation बिल्कुल नहीं लेना है। Now moving forward कि कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है apple cider vinegar। सबसे पहले आपको कभी भी apple cider vinegar right after meal या meal के आधे घंटे बाद भी नहीं लेना है। प्रेफर करो कि मील के बाद ना लो, मील के आधा या एक घंटा पहले, चाहे ब्रेकफास्ट कोई भी मील हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर या कोई हैवी स्नैकिंग भी अगर आप कर रहे हो, तो उस मील के आधा घंटा या एक घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा, प्रेफरेबली एक घंटा पहले आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बाद में बताती हूँ, वो कर सकते हो। मील के बाद बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि डाइजेशन में गड़बड़ कर देगा, आपके जो खाने में न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्सॉर्ब होने में रोकता है, प्लस इसके वजह से आपकी बॉडी में विटामिंस या डिफरेंट वाइटल्स का डिसबैलेंस हो जाता है। तो नेवर कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर राइट आफ्टर हैविंग फूड और इवन आफ्टर 30 मिनट्स और सो। तो एक डेढ़ दो घंटे बाद खा सकते हो, बट खा के भी उसके बाद आपका लाइक पेट खाली रहेगा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज इट इज़ अ एसिड। तो प्रेफरेबली खाने के एक घंटा या आधा घंटा पहले आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन। और एक चीज़, लोग कहते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर एम्प्टी स्टमक में लो, इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कुछ अच्छा नहीं जमा एकदम सुबह सुबह उठ के पानी में एप्पल साइडर विनेगर लेने का, इट काइंड ऑफ मेड मी मोर एसिडिक। तो मेरा कुछ खास एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये काइंड ऑफ मेरा एसिडिटी लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। मैं हमेशा खाने के एक घंटा पहले प्रेफर करती हूँ एप्पल साइडर विनेगर लेना, मैं एकदम सुबह सुबह नहीं प्रेफर करती हूँ। और अगर आपको चाहिए है कि हाँ भाई हमें सुबह सुबह ही लेना है, बाकी टाइम हमें याद नहीं रहेगा, तो व्हाट यू कैन डू, आप सुबह सुबह कम से कम 2 ग्लास पानी पी लो, 2 से 3 ग्लास पानी पी लो, आपका पेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो जो एप्पल साइडर विनेगर जाने के बाद वो एसिडिक नहीं बनेगा। तो आप पहले पानी पी लो, पेट को उस हिसाब से न्यूट्रलाइज़ कर लो, उसके बाद आप एप्पल साइडर विनेगर का जो मिक्सचर है वो ले सकते हो, दैट इज़ ओके, बट आई डोंट प्रेफर दैट मच, बट इट्स ओके। आपका ब्रेकफास्ट हो जाए, उसके बाद लंच में 2-3 घंटे का फ़र्क नॉर्मली रहता है, तो लंच के एक घंटा पहले आप ले लो, दैट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू, एटलीस्ट जो मैंने नोटिस किया है, मेरे लिए वो काम किया है। अब कैसे लेना है, आपको एक चम्मच
टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, छोटी चम्मच जो होती है, एक चम्मच आपको एक 250 ml लाइक बेसिकली एक ग्लास पानी में घोल लेना है, उसको आप पी सकते हो। आप हल्के गुनगुने पानी में डाल के एप्पल साइडर विनेगर को पी सकते हो, लाइक एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, एक छोटी चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को हल्के गुनगुने एक ग्लास पानी में डाल के मिक्स करके पी सकते हो। आप नॉर्मल कंज्यूम टेम्परेचर वाले पानी में भी पी सकते हो, ठंडे पानी में नहीं पीना है, बट आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में पी सकते हो एंड आप गुनगुने पानी में, हल्का गुनगुना गर्म पानी में पी सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर वाला क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा सूट करता है। मैं कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ, तो करेंटली आई एम यूजिंग दिस न्यूट्रीवैली का एप्पल साइडर विनेगर। ये मैं आपको बता क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, देखो ये एक्चुअली बहुत काफ़ी सा यूज़ हो गया है, बट इसके नीचे आप देख रहे हो ये क्लाउडी सा चीज़ें, अगर आप इसको मिक्स करोगे तो काइंड ऑफ ये थोड़ा डार्क हो जाता है, तो ये इसको बोलते हैं मदर। मदर मतलब एक विनेगर बनाने के बाद उसका प्रेसिपिटेट पड़ता है, तो वो जो प्रेसिपिटेट होता है दैट इज़ यूजफुल, वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोई विनेगर एप्पल साइडर विनेगर इसके बिना आता है तो बिल्कुल मत लो। इसीलिए मैं न्यूट्रीवैली का एप्पल साइडर विनेगर हमेशा रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इनमें मदर आता है, और भी डेफिनेटली ब्रांड्स है आप चेकआउट कर सकते हो। करेंटली आई एम यूजिंग दिस, आई विल रेकमेंड दिस एंड मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। या सो दैट इज़ वाई आई रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग, कि अगर आपको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना और क्या तरीके से आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ कर सकते हो। हालांकि डायरेक्टली कंज्यूम करना बेस्ट रिजल्ट्स देता है, तो आप एक और लाइक आपको एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता, बहुत लोगों को नहीं लगता, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ इट एज अ सलाद ड्रेसिंग, बट उसमें ऑयल नहीं डालना है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैगेंट मसाला या कोई भी आउटसोर्स सॉस नहीं डालना है, तो वो बैडली रिएक्ट कर सकता है। आप बेसिकली सलाद बनाओ घर पे, प्रेफरेबली नॉर्मल घर का जो सलाद होता है, मैं कुछ सलाद रेसिपीज़ भी मेरे चैनल में डाल रखा है, वो आप देख सकते हो, शॉर्ट्स में है, तो वो सलाद में आप एज अ ड्रेसिंग बस कुछ नहीं, एक चम्मच लेके आप उसमें डाल दो एंड उसको अच्छे से मिला लो, दैट इज़ ओके। आप जब सलाद में एप्पल साइडर विनेगर डाल रहे हो, नींबू नहीं डालना है, दोनों एसिडिक हैं, बैडली रिएक्ट कर सकता है, या तो आप नींबू या तो आप एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ में यूज़ कर सकते हो कि मग्गे भर पानी में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल के आप उसको हेयर वॉश के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तेल वाले हेयर में यूज़ मत करना, आप नॉर्मल जो हेयर क्लीन हेयर है उसमें आफ्टर शैम्पूइंग यू कैन जस्ट रन दैट वाटर थ्रू। उससे क्या होता है कि अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शियस ऑब्जेक्ट है वो हट जाता है, ये एंटी फंगल होता है, या फिर अगर आपको डैंड्रफ इश्यूज़ है तो वो इसमें भी बहुत मदद करता है, लाइक मेजर डैंड्रफ इश्यूज़ इससे हट सकते हैं, बट एवरी डे नहीं लगाना है, प्रेफरेबली हर 2 हफ्ते में एक बार आप पानी में घोल के उसको डायल्यूट करके यूज़ कर सकते हो अपने बालों को धोने के लिए। उसके बाद प्रेफरेबली जो हार्ड वाटर है वो मत यूज़ करो, अगर लाइक आपके एरिया में मीठा पानी आता है नॉर्मल नलके में तो आप वो यूज़ कर लो, अदरवाइज़ मैं प्रेफर करूँगी थोड़ा सा पीने का पानी इसमें यूज़ करो, बिकॉज़ वो अच्छा होता है और वो लॉक भी रहता है और इसमें से बदबू भी नहीं आती है, तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। आपका हेयर और स्कैल्प टू मच ऑयली है तो उनके लिए ये बेहतर होता है, बट हमेशा क्लीन स्कैल्प में यूज़ करना, कभी भी गंदे स्कैल्प या ऑयली स्कैल्प में यूज़ मत करना। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिला है। जो न्यूट्रीवैली का एप्पल साइडर विनेगर है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, एंड मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।